अगर आपकी हो रही है धुंधली दृष्टि तो हो जाए सावधान। बहुत कारण होते हैं धुंधली दृष्टि के, लेकिन उसमें एक मुख्य कारण होता है मोतियाबिंद। मैं डॉक्टर अरुण गुप्ता, डायरेक्टर उमा प्रेम नेत्रालय, MBBS MS गोल्ड मेडलिस्ट, कैटरेक्टो रिफ्रैक्टिव सर्जन, आज आपको बताऊंगा कि मोतियाबिंद के लक्षण क्या होते हैं। सबसे पहले हम अगर कोई भी व्यक्ति, अगर वो यंग हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, धुंधली दृष्टि से बहुत लोग परेशान हैं। मोस्ट कॉमन कॉज होता है रिफ्रैक्टिव एरर, लेकिन अगर हम देखें कि अगर चश्मे से भी हमारी रोशनी सही नहीं हो रही है, तो उसके बाद आता है सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज, कैटरैक्ट, जिसे हिंदी में हम मोतियाबिंद कहते हैं। मोतियाबिंद की वजह से हमारे भारत में या विश्व में बहुत लोग की धुंधली दृष्टि है। मुख्यतः ये बीमारी क्योरेबल होती है, और इसमें धुंधली दृष्टि के साथ किसी भी व्यक्ति को लाइट का इंटॉलरेंस होता है। जैसे अगर आप गाड़ी चला रहे हैं या आप कोई भी वाहन चला रहे हैं, रात में अगर आपको रोशनी चौंध लग रही है तो आपको हो सकता है कैटरैक्ट। अगर आपका सिंगल आँख से, एक आँख से एक का दो इमेज दिख रहा है, कि एक इमेज आपका जैसे दिख रहा है, उसके बगल में कोई शैडो दिख रहा है, तो आपको हो सकता है कैटरैक्ट। अगर आपका जो रंग है वो फीके लग रहे हैं, कलर आपके फेडेड लग रहे हैं, तो आपको हो सकता है कैटरैक्ट। अगर आपको कोई भी चीज़ धुंधली होने के साथ साथ चश्मे का नंबर बार बार परिवर्तन हो रहा है, या चश्मे के मैक्सिमम नंबर लगाने के बाद भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो नेत्र चिकित्सक से अपनी जांच कराएं कैटरैक्ट की, क्योंकि ये कैटरैक्ट हो सकता है। अब हम बताएंगे कि अगर किसी व्यक्ति को कैटरैक्ट है तो उसका उपाय क्या है। कैटरैक्ट में केवल कैटरैक्ट सर्जरी होती है। ये सर्जरी हमारे यहाँ विश्व की सबसे जो एडवांस मशीन है, उससे MICS फेको विधि कहते हैं, जिससे ये किया जा रहा है। इसमें किसी भी व्यक्ति की आँख में जो कैटरैक्ट है उसको निकाल के नया लेंस का प्रत्यारोपण किया जाता है। मुख्यतः अब हम बात करते हैं लेंस का जो प्रत्यारोपण होता है वो किस तरह का होता है। जो मेजर कैटेगरी आती है लेंस लगाने की, वो मोनोफोकल लेंस होता है, मल्टीफोकल लेंस होता है, ट्राईफोकल लेंस होता है, टोरिक लेंस होते हैं, और आजकल एक नई कैटेगरी ऐड हो गई है, उसे ईडॉफ लेंस कहते हैं। मोनोफोकल लेंस में कोई भी व्यक्ति अपने दूर की वस्तु स्पष्ट देख सकता है, अगर उसे और कोई अन्य परेशानी न हो तो, और नज़दीक के लिए उसे चश्मा लगाना पड़ता है। मल्टीफोकल लेंस को हम बाईफोकल लेंस भी कह सकते हैं, इसमें दूर और नज़दीक की वस्तु साफ दिखाई देती है। ट्राईफोकल लेंस में व्यक्ति दूर, नज़दीक और इंटरमीडिएट यानी बीच की भी वस्तु देख सकता है। और हमारे टोरिक लेंस जो होते हैं वो एस्टिगमेटिक कॉर्निया में लगते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कॉर्निया एस्टिगमेटिक है तो उस व्यक्ति को टोरिक लेंस लगवाना चाहिए। आजकल एक नई वेराइटी आई है ईडॉफ लेंस की। ईडॉफ जो होता है एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस, की जैसे हम एक्टिव कोई काम कर रहे हैं, जैसे हमें गाड़ी चलाना है या बैडमिंटन खेलना है या हम स्पोर्ट्समैन हैं, तो हम दूर भी देखते हैं और बीच का भी देखते हैं, तो इसमें ईडॉफ लेंस में दूर से इंटरमीडिएट विजन दिखाई देता है। पढ़ने लिखने का चश्मा लगाना पड़ता है, इसे ईडॉफ लेंस कहते हैं। ये हो गई मोतियाबिंद के ऑपरेशन कैसे होते हैं और उसके लेंस के प्रकार और लक्षण के बारे में जानकारी दी। आगे और जानकारी के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो में बने रहें। धन्यवाद। थैंक यू।